और अब बात करते हैं पहाड़ों पर आफत की बरसात की। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बुरा हाल है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में स्कूल भी बंद है। खासतौर पर नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले चंद घंटों में उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीध रुख कर लेते हैं देहरादून का, जहां से हमारे संवाददाता सोनू सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक कह सकते हैं कि बारिश का कहर देखा जा रहा है। किस तरीके की मुसीबतें वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही है और प्रशासन कहें किस तरीके के इंतजाम कर रहा है वहां? देखिए दिव्या, जो पहाड़ों में बारिश हो रही है, निश्चित तौर पर इसने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो दूरस्थ क्षेत्रों से चारधाम यात्रा करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा भी अब लगातार हो रही बारिश से प्रभावित होने लगी है और शायद यही वजह है कि चारधाम यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर चारों धाम की यात्रा करने के लिए श्रद्धालु के रूप में यहाँ पहुंचेंगे और वो सुरक्षित यात्रा करके जाएंगे, एक सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर के जाएंगे, लेकिन जो हालात हैं वो जुदा नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो लगातार बारिश हो रही है और मौसम का मिजाज बदला हुआ है पहाड़ों में, निश्चित तौर पर इसने चारधाम यात्रा को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, तो पहाड़ पर अलर्ट है और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें कह सकते हैं तीर्थयात्रियों को भी हो रही है और आम जनजीवन तो इससे प्रभावित हुआ ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू सिंह इस जानकारी के लिए। बर्बादी की बारिश के बाद अब बात करते हैं राहत की बरसात की। सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। जहां लोग एक एक बूंद को तरसते हैं, वहां मूसलाधार बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। हालांकि कई इलाकों में बुरा हाल भी है, तो कई इलाकों में बारिश ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है। बूंद बूंद पानी को तरस रहे बुंदेलखंड में आसमान से राहत की बरसात हो रही है। प्यासी धरती पर इंद्र देवता मेहरबान है। बुंदेलखंड के ललितपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राहत की यह बरसात कई इलाकों में आफत बनकर भी बरस रही है। खासतौर पर निचले इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस घर को देखिए, टापू की तरह नजर आ रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। प्रशासन की बद इंतजामी की वजह से राहत की बारिश आफत की वजह बन गई है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जी पानी हमारे यहाँ जो है 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण पूरे जो तालाब हैं, नदी नाले हैं, बिल्कुल सब अपने उफान पर है और जो है स्थिति यह है कि कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है और जो है लोग जो है मैदानी इलाकों में और जहाँ जहाँ पानी ना पहुँच पाए वहाँ की शरण लेने को मजबूर है। और प्रशासन की अगर बात करें हम, तो प्रशासन बिल्कुल कोई भी मदद नहीं पहुँचा रहा है। लगातार बारिश की वजह से नदियाँ उफान पर हैं, पानी खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव है। ललतापुरा और धौलपुरा समेत कई इलाके पानी पानी हैं, सड़कें लबालब हैं। राहत बचाव के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। कल तक 160 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी और सूखे के बाद निश्चित रूप से काफी राहत मिली है इस बरसात से। बट कुछ जगह पर जो लो लाइंग एरियाज हैं हमारे और जहाँ आसपास लोकल नाले और छोटी नदियाँ बह रही थीं, उनका जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस वजह से वहाँ के लोगों को उनके घरों में पानी घुस गया, समस्या हो रही है। तो अपने टीम लगा रखी है, हमने तहसीलदार, लेखपाल सब मौके पर हैं, उन्होंने उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया है, खाने पीने की व्यवस्था कर दी है। हालांकि ऊपर के इलाकों में किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित होगी, खासकर दलहन फसलों के लिए ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। ठीक है सर, इस साल में तो बढ़िया रहा है और उड़द भी इस साल में अच्छा लगता है हमें कि इस साल में अच्छा उड़द भी हो जाएगा। वो तो कुछ मकान भी डूब गए बारिश के कारण और बंदे अंदर भी फुल हो गए इस साल में। सूखे के शहर में बारिश की एक एक बूंद राहत लेकर आई है। ये बात अलग है कि प्रशासन की लचर व्यवस्था और मुस्तैदी में कमी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। अमित सोनी, ललितपुर, इंडिया 24/7।